ताज है और वो है कहाँ पे है बोलिए तो, वो है ताजमहल। देखे तो ऐसा ही आप लोगों को उर्दू में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मैं जा चुकी हूँ। ये ताजी है, यस ये हम लोग का ताजी है। सुंदर जगह, सुंदर। मैं कौन से गेट में जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ, ये एक बड़ा मेरे लिए सरप्राइज भी होगा क्योंकि मैं कभी नहीं आई हूँ कोलकाता में रह के भी। मीन्स कोलकाता में मैं रहती थी पहले और मैं वेस्ट बंगाल में रह के भी पहली बार आज इको पार्क आने वाली, तो मैं आई हूँ और साथ में मेरे साथ ऑब्वियसली फूडी नीलूफाई है। सो देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं अंदर चल के। तो देखते हैं मैं किस गेट पे खड़ी हूँ, आप लोगों को बैकग्राउंड देखकर पता चल गया होगा, गेस कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अभी पॉज करके बताइए कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी गई थी पूछने के लिए कि मुझे को एंट्री मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे देखना था, तो मुझे पुराना टाइमिंग ही पता है कि सुबह 9 बजे खुल जाती है, बट ये नहीं खुला है और मुझे 12:30 बजे तक ही वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगी और मुझे 7 वंडर्स ही देखना था। हाँ मैं बता दे रही हूँ आप लोग को क्योंकि आप लोग देख के भी गेस कर चुके होंगे। तो मुझे 12:30 बजे तक वेट करके फिर ही गेट खुलेगा और मैं अंदर जाऊँगी। और एंट्री फीस क्या है ये मैं अंदर जाने के बाद और टिकट काउंटर में टिकट कटाने के बाद ही आप लोगों को मैं बताती हूँ। स्टे ट्यून्ड। ये है हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मिस्टर कोरोना। तो मैं अभी बाहर में ही खड़ी हुई हूँ, तो आप लोग का अगर आप लोग कहीं से भी आते हो और आप लोग कुछ लेके नहीं आते हो तो ये 12:30 बजे काउंटर भी खुलेगा। ये सब यहाँ पे आप लोग को फूड कॉर्नर है, मतलब आइसक्रीम वगैरह कुछ खाने का चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को मिल सकता है। और आप लोग को अंदर में खाना अलाउड है, लेकिन फिर भी आप लोग खा के अंदर में एंट्री करना चाहते हैं तो इधर साइड में रेडी में आप लोगों को बहुत सारा खाने का शॉप मिल जाएगा, वहाँ से खा सकते हैं। और ये टिकट काउंटर और इधर कुछ ऐसा है, एक शेड के नीचे मैं खड़ी हूँ और कुछ ऐसा रहेगा यहाँ का सिनेरियो। नीलूफर उसको खाने के सिवा और कुछ दिक्कत नहीं है, तो खाने का काउंटर उसे मिल गया है, तो वो देख रहे हैं अभी काउंटर बंद है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ गेट नंबर 6 में जाने, क्योंकि अगर आप लोग जल्दी आ जाते हैं, आप लोग को एंट्री चाहिए तो आप लोग गेट नंबर 6 में जाके एंट्री कर सकते हैं 11 से 11:30 के बीच में, और उधर जाके आप लोग कुछ एंजॉय करके फिर इधर आ सकते हैं गेट नंबर 4 में। 12:30 हो गया है और हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पे इको पार्क में। तो आके ही हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे बैठा है वेलकम करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इको पार्क। और आप लोग को आके अगर कुछ भी खाने वाने का आप लोगों को चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे सब कुछ वो मिल सकता है, सब कुछ मिलेगा इको पार्क के अंदर ही। देख सकते हैं कितना सुंदर एंट्रेंस है यहाँ का। आगे जाके मैं और आप लोग को दिखाती हूँ पूरा एक्सप्लोर करके इको पार्क। हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 12:30 बजे इनफ टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो चलिए दिखाते हैं मस्त इको पार्क का टूर देते हैं आप सबको। हे माई लवली फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ एक्सप्लोर करने और मैं इको पार्क देखी भी नहीं थी, तो आज मैं आई हूँ इको पार्क। 7 वंडर मुझे देखना था, तो टाइमिंग वगैरह मैं सब कुछ बता दूँगी। बहुत जल्दी जल्दी मैं रश में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। तो
इंट्रो मेरा कुछ ऐसा हुआ, तो ये सेवन वंडर का गेट से मैं मतलब गेट नंबर 4 से मैं एंटर की हूँ और न्यू टाइमिंग चेंज हुआ है जो कि मैं आप लोग को स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी कि क्या टाइमिंग इन लोगों का न्यू टाइमिंग क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना। सेवन वंडर का टिकट काउंटर आप लोग को इधर मिलेगा, सेवन वंडर में जो ताजमहल और वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो एंट्री टिकट हम लोग 30 रुपीज़ पे किए थे। ये सेवन वंडर्स मीन्स आप लोग सब लोग को पता है सेवन वंडर्स क्या है, फुल जानना है तो आप लोग को इको पार्क का ये वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। मत पता नहीं था कि एंट्री फीस 30 रुपीज़ ये लोग का है और सेवन वंडर्स के लिए आप लोग को 30 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा सेवन वंडर्स देखने के लिए। तो मैं अभी पे करके ही आप लोग को दिखाऊंगी। सेवन वंडर्स के लिए मैंने ईच दो जने हम लोग 30-60 रुपीज़ पेमेंट किया है। हेयर वी एंटर्ड आवर सेवन वंडर्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग को दिखा देती हूँ कि कितना मस्त है यहाँ पे ये भवन। वो है ब्यूटीफुल ताज देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक्सप्लोर करा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। थोड़ा थोड़ा करके सब और ये है नीलूफा घूमने में अभी ये है। तो मैं ऐसे ही करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा भाग भाग के देखना पड़ेगा। वाह ताज, लेट्स सी, वाह ताज, लेट्स एक्सप्लोर। मगर आप लोग को अगर आप लोग आगरा नहीं जा सकते हैं तो आप लोग यहाँ पे आके ताजमहल का व्यू पा सकते। कितना ज़्यादा मतलब अमेजिंग सा बनाया है, डिट्टो तो बनाया है उसी के जैसे। आप लोग को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ताजी है। यस, ये हम लोग का ताजी है। नाउ यू कैन सी इको पार्क मेरे पीछे वाह ताज दिख रहा होगा। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये सब देखिए आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग बनाया है ना जिसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। कितना मस्त है अंदर। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना बनता है, देखना सामान कोई लेना जाए। वाह सुनो कोई वीडियो बना लंग तरह देखिए, थोड़ा बंगाली भी आ जाएगा तो आप लोग कुछ माइंड मत करिएगा। मैं बाहर से दिखाती हूँ, वेट जो सी द ब्यूटी ऑफ आवर कोलकाता। एंड ये इधर पीछे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ फोटो देख सकते हैं मेरे आगे क्या है। इट्स आवर ताज and here आ चुके हैं इसका, लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग बनाया। दाद देना पड़ेगा, सच में बहुत स्मार्टली बनाया है। ताज है और वो है कहाँ पे है बोलिए तो, वो है कोलकाता में देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है यार। चलिए मैं सामने से देखना चाहूँगी कि वो कैसा है। बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं जा रही हूँ, मुझे देखना मतलब कभी आगरा जाके ताजमहल देखे तो ऐसा ही आप लोगों को उर्दू में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मैं जा चुकी हूँ तो इसीलिए मुझे पता है और आप लोग यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियो देख सकते हैं। कितना सुंदर, वाव। तो मैं बहुत धूप लग रहा ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करूंगी देखने। चलिए ताज देख के आते हैं। डाडा सी कितना मस्त है। चलो
ताजमहल के पास पिक्चर क्लिक कर रही है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत लंबा, बहुत गर्मी है तो जा नहीं सकते, आप दूर से ही देख लीजिए। दूर नहीं, एकदम पास है, बट बहुत लंबा रास्ता है इसलिए नहीं जा रहे हम लोग। चलो उसको हम लोग का दिया है, बट कोलकाता में तो है, हम लोग आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम 6 to 7 hours पूरा अगर इको पार्क घूमना चाहते हैं तो 6 to 7 hours आप लोग को इजीली लग जाएगा, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ब्यूटी ये तो ब्यूटी फुल शॉट दे रही। घूमते थक गए हैं और एक पेड़ के नीचे छांव मिला है, जस्ट आप लोग को मतलब ताज के पास में मिल जाएगा, और यहाँ पे बैठ के हम लोग थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। बाल बाल देख रहे हैं, उजरा चमन उनका होती है, धूप में हम लोग और ये नहीं कर पा रहे, सो बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी और बैठूँगी एक्सप्लोर करूँगी बैठूँगी एक्सप्लोर ऐसे करके ही टाइम खत्म हो जाएगा, एंड देन लेट्स गो टू होम। झील भी मिलेगा और ऐसा ऐसा आप लोगों को शेड मिल जाएगा, आप लोग आके यहाँ पे आराम कर सकते हैं। रखना आप लोगों का टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग चेंज होते रहता है, होते रहता मतलब एवरीडे चेंज नहीं होता बट चेंज होता है। जैसे अभी चल रहा है इसका टाइमिंग 12:30 से लेके शाम के 8:30 तक, ठीक है। और यहाँ पे एक बार बाहर टिकट आपको काटना है 30 rupees दे के, और एक बार अगर 7 wonders देखना है तो उसके लिए आपको 30 rupees चार्ज पड़ेगा। और आप लोग को मैं बोलूँगी कि मतलब धूप के टाइम में नहीं आए, आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप लोग इवनिंग टाइम में ज़रूर आइएगा, बस इतना ही मैं बोल सकती हूँ, इतना ही मेरा अभी ये मतलब मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा, मुझे बहुत पानी प्यास लगी है, थर्स्टी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। जगह यहाँ पे खाने का आप लोगों को सुविधा मिल जाएगा, आप लोगों को पानी का भी सुविधा मिल जाएगा, धूप के टाइम मैं बोलती हूँ अवॉइड ही कीजिए, और आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप लोग कोलकाता से बाहर रहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का कोलकाता आइए और देखिए, हम लोग के भी कोलकाता में ब्यूटी है, तो इको पार्क में ये ब्यूटी आप लोग को मिल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो चेकआउट करना, फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हम लोग को जो हालत हो रहा है आप लोगों को मैं बता ही नहीं सकती कि हम लोग का हालत क्या हो रहा है, देख रहे हैं मैं वीडियो भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। तो मिलते हैं, मैं वीडियो में 2 times बोल चुकी हूँ फिर भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि रॉ वीडियो जाए, यहाँ से कोई स्टार्ट करता, कोई आज आके कल डालता है, मतलब आज आएगा फिर कल वो एडिट करके फिर डालेगा, मैं वैसा नहीं चाहती हूँ। मेरा जो भी कुछ होगा रॉ होगा भाई, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही मैं एक्सप्लोर करवाती हूँ और ऐसे सब कुछ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग सीख रही हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है बाय द वे, सबको जिन लोगों को नहीं आता वो लोग भी ब्लॉगिंग करते, तो मैं क्यों नहीं, मुझे तो भी आता है, तो मुझे बड़बड़ बोलना बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग समझ जाना, और ऐसे ही मेरा ऐसा वाला नेचर आप लोग को पसंद आ रहा है, तो वीडियो हम लोग का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो पूरी लुफा लगी हुई है फोटोज़ वगैरह करने में, और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अभी यहाँ से निकल रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम लोग का एडिटिंग शो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है, ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आप लोग, तो यही आज करते हैं, टाटा बाय बाय।